हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन के बारे में, कि आपको मीन कैसे निकाला जा सकता है, कैसे आप माध्य निकाल सकते हैं, कैसे आप एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे आप औसत भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में पूरा कंसेप्ट सीखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को आप शुरू से अगर लास्ट देखेंगे तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है मीन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में देगा, जैसे यहाँ पर दे दिया कि वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल आपको दे दिया रहेगा, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कुछ भी दे सकता है, हमने आपको एक ले लिया क्वेश्चन। और बारंबारता, बारंबारता में भी आपको कुछ दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 दिया हो, 3 दिया हो, 1 दिया हो, 4 दिया हो, 2 दिया हो, 1 दिया हो, कुछ भी दे सकता है, हम एक अनुमान लगाकर लिखे हैं, ठीक है। बारंबारता भी आपको दिया रहेगा, वर्ग अंतराल भी दिया रहेगा, क्रॉस इंटरवल भी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। अब कहेगा कि आपको माध्य निकालिए, मीन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखिए मीन निकालने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, मीन निकालने के लिए आपको वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है, और इसके बाद एफ एक्स की जरूरत पड़ती है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, और एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। अब देखिए क्लास मार्क क्या होता है, देखिए थोड़ा समझ लीजिए क्लास मार्क कैसे निकलेगा। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, जैसे क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, किसका, क्लास इंटरवल का। तो अपर लिमिट यानी कि इसमें के बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 है, 10 प्लस 0, यानी लिख सकते हैं हम यहाँ पर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है, बाय 2। यही फॉर्मूला होता है क्लास मार्ग निकालने का, वर्ग चिन्ह निकालने का यही फॉर्मूला आता है कि आप दोनों को जोड़ देंगे, क्या, जो आपको वर्ग अंतराल दिया है, जो क्लास इंटरवल दिया है, दोनों को जोड़कर बाटा 2 करना है, 2 से भाग करना है। तो 10 और 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का बटा 2 का मतलब क्या होता है, 5, तो 10 का बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 5, क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है 20 और 30, 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 20 और 10 दिया है, 20 और 10 को कितना होगा, 30 होगा, और 30 का 2 करेंगे, आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 30 20 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 40 30 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 40 50 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 60 50 110 का आधा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्लास मार्क वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2 करके। अब आपको दिया है एफ एक्स, एफ एक्स मतलब होता है एफ बारंबारता, एक्स मतलब हमने जो भी निकाला वर्ग चिन्ह, दोनों को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 5 से 2 में गुणा हो जाता है, 5 गुणा क्या हो जाएगा, 10, 5 गुणा 10, 15 3 45, ठीक है, 25 एकम 25, 35 चौको 140, ठीक है, 45 दूना 90, 55 एकम 55, इतना क्लियर हो गया, एफ एक्स भी निकल गया, एक्स भी निकल गया। अब आपको ध्यान देना है जो मीन होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे, यानी कि सबको जोड़ देंगे, 2 3 5 1 6 4 10 2 12 12 1 13, कितना आया जी, 13 आया, सिग्मा एफ कितना आया, 13 आया। फिर से जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 7 7 1 8 8 5 13, क्लियर हो गया।
अब जो एफ एक्स है इसको भी जोड़ा जाता है, सिग्मा एफ एक्स जिसको हम कहेंगे जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, पांच पांच दस पांच पंद्रह, पंद्रह का पांच हाथ में आया एक, पांच एक छ और नौ, नौ छह पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस दो इक्कीस, इक्कीस चार पच्चीस, पच्चीस एक छब्बीस, छब्बीस के छ हाथ में आया दो, ठीक है, और दो आए एक तीन, कितना हो गया 365। यानी सिग्मा एफ एक्स जो है आपको हो गया 365, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स जो है क्या हो गया 365। यानी कि अब आपको क्या निकालना है, माध्य। अब क्या निकालना है आपको, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मीन बराबर, यानी कि औसत, मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स है आपको 365, 365 बटा, और सिग्मा एफ कितना आया है आपको 13। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या 13। अब इसे डिवाइड देकर आप काट सकते हैं, 13 का टेबल आप पढ़ लेंगे, पढ़कर काट देंगे, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, चाहे वो डेसिमल में कटे चाहे पूरा पूरा अंक में कटे, ठीक है। तो इस तरह आपको निकाला जाता है मीन, इस तरह आपको निकाला जाता है माध्य, इस तरह आपको निकाला जाता है औसत, ठीक है, जब क्लास इंटरवल दिया हो तब। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए।